नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही अच्छा एक संजोग बनने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त ये दिन आ रहा है। और ऐसे दिन पे अगर आप कोई भी अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो बहुत जल्द पूरी होती है। कैसे, मैं आपको अब बताती हूँ। ये आ रहा है 23 मई 23 को, ठीक है। 23 मई 2023, अब 2 और 3 को प्लस किया जाए डेट को तो 5 नंबर हो गया। मई का महीना यानी कि 5 नंबर, साल है 23 का, 2 और 3 को प्लस किया जाए फिर से दोबारा से 5, यानी कि 555 का यहाँ पे योग बना। 5 जो रिलेट करता है मर्क्यूरी से यानी कि बुध ग्रह से, और उनके यहाँ पे देखा जाए तो वो रिलेट करते गणपति बापा से भी। और आज ही के दिन मंगलवार को आ रही है अंगारक, यानी कि गणपति बापा से रिलेटेड विनायक चतुर्थी भी है जो कि बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार बहुत अच्छा बढ़े, घर में सुख शांति बनी रहे, पैसे की हमेशा आपके घर में बरकत रहे, तो आज के दिन इस उपाय को बिल्कुल भी आप नहीं छोड़िएगा। बहुत ही आसान सा उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने कोई भी एक इच्छा अपनी निर्धारित कर लेनी है। आपकी 5 इच्छा या 6 इच्छा है, उसमें से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी एक इच्छा है जो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले अभी इसको मैनिफेस्ट करनी है। आपने क्या करना है, कोई भी एक पेपर आप ले लीजिए, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, लाइंस वाला, प्लेन, जैसे भी आपको समझ में, आप वो ले सकते हैं। आपने लेनी है रेड कलर की या ग्रीन कलर की पेन, दोनों में से कोई भी आप एक पेन ले सकते हैं। सबसे जो बेस्ट होगा वो रेड कलर की होगी, नहीं होगी तो आप ग्रीन कलर की पेन ले लेंगे। अब आपने जो भी आपकी इच्छा निर्धारित की है, ठीक है, उसको आपको सुबह नहाने के बाद आपने 5 बार उसको लिख लेना है। अगर आप लेट नहाते हैं तो ऐसे में एटलीस्ट आप हाथ मुंह धो लीजिएगा। सुबह को 12 बजे से पहले अपनी एक इच्छा को 5 बार आप लिख लीजिएगा उसी कागज पे। अब आपने उनकी 12, 12:30, 1 बजे आप दूसरी बार उसी इच्छा को दोबारा से 5 बार आप लिखेंगे। फिर तीसरी बार आपने लिखना है 3 या 4 बजे के करीब आप इसको लिखेंगे। फिर चौथी बार आप इसको लिखेंगे सनसेट के वक्त, या सनसेट से आधा घंटा पहले, या सनसेट के आधा घंटा बाद। अब 5वीं बार आप लिखेंगे लेट नाइट या सोने से पहले, ठीक है। यानी कि 5 बार आप हर बार लिख रहे हैं, 5 × 5 times हो जाएगा, ओके। अब लिखने के बाद आपने इसको कहीं पे भी रख देना है। आप इसको कहीं पे भी छुपा के रख दें, तकिए के नीचे रखें, कहीं पे भी रख दें। नेक्स्ट दिन सुबह को यानी कि 24 तारीख को आप सुबह उठेंगे और जब भी आप घर के बाहर जाएंगे या घर के अंदर ही गमले हैं तो इस कागज को, अपने मैनिफेस्टेशन को जो आपने पेपर लिया हो, इसको फोल्ड करके आप इसको मिट्टी में दबा देंगे, कोई भी पौधे के नीचे या कोई भी पेड़ के नीचे। बाद में इसको पूरी तरह से आप यूनिवर्स पे छोड़ देंगे, पूरे विश्वास के साथ कि ये इच्छा आपकी जरूर से पूरी होगी और उस डायरेक्शन में आपने काम भी करना है। इसको पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। ये है बहुत ही छोटा सा उपाय, लेकिन है बहुत ही जबरदस्त उपाय। आज के दिन अगर पॉसिबल हो तो आप किसी को हरे मूंग भी दे सकते हैं। हरे मूंग की कोई भी आप एक आधा किलो ले ले, 1/4 किलो ले ले, 1 किलो ले ले, अपने बजट के हिसाब से आप किसी को भी ये कच्चे मूंग भी आज के दिन मनोकामना करते हुए देंगे तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको मौका मिले तो आप हरा चारा या कोई भी हरी चीज गाय को खिला दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ आज के दिन आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही, आप उपाय करते करते थक चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके घर में जो गमले पड़े हैं उसके नीचे देखिए पत्ते गिरे होते हैं, सूखे पत्ते या कोई भी पत्ते गिर के झड़ जाते हैं ना, वो आप ले लीजिए, अपने हाथ में होल्ड कीजिए, वही अपनी इच्छा को आपने बोल देना है और वहीं पे आपने मिट्टी में दबा देना है। घर के अंदर कोई गमले नहीं है तो घर के बाहर जाके कहीं पे भी इसको पेड़ के नीचे और पौधे के नीचे कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय भी अगर आपने किए तो मोर देन इनफ, यानी कि वो 555 वाला और ये पौधे वाला। बाकी जो मूंग वाला और जो गाय वाला है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको आएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी तकलीफ दूर हो पाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज तकलीफ में हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आपके वीडियो शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे नए आए, इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।